हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल द नेक्स्ट लेवल पे। दोस्तों, आज हम तालाब की तैयारी के बारे में और कुछ बातें जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, तालाब में पानी भरने से पहले हमें तालाब की तैयारी कैसे कर लेनी चाहिए, चलिए पहले इस बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि मिट्टी की जांच करवा लें। मिट्टी की जांच करवा लेने के बाद जब आप तालाब खुदवा लेते हैं तो उसके बाद से जो तालाब का सतह है उस सतह की पूरी तरह से सफाई करवा लें। आपके तालाब के सतह पे किसी भी प्रकार का कूड़ा, कचड़ा, प्लास्टिक, ईंट, पत्थर ये सब नहीं होने चाहिए। पूरी तरह से सफाई करवा लें। उसके बाद से आप अपने तालाब की मिट्टी को थोड़ी सी ढीली करवा लें। उसके बाद फिर चूना डालकर पूरी तरह से मिट्टी के साथ बराबर इसे मिला लें। और फिर चूने की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो चूने की मात्रा आधा एकड़ के लिए 20 किलो होना चाहिए, यानी कि प्रति एकड़ 40 किलो के हिसाब से चूना मिलाना है। वैसे देखा जाए तो चूने की मात्रा मिट्टी के पीएच और उर्वरा शक्ति पर निर्भर करता है। इसके बाद से आप अपने तालाब में पानी भर सकते हैं या फिर अगर आप बारिश पर निर्भर हैं तो आप अपने तालाब को बारिश के पानी से भरने के लिए छोड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि तालाब में खाद का प्रयोग हमें क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि तालाब की मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए खाद का प्रयोग करना चाहिए। अब आप ये सोचेंगे कि तालाब की मिट्टी को उपजाऊ बनाने का क्या मतलब है, तो मैं आपको बता दूं कि खाद के प्रयोग से मछली के प्राकृतिक भोजन के उपज में वृद्धि होती है। वैसे तो आप मछली के जो बनाए हुए दाने मार्केट में मिलते हैं वो तो आप खिलाएंगे ही, लेकिन इसके अलावा आपके तालाब में मछलियों के लिए प्राकृतिक भोजन भी मिलना चाहिए। इसके लिए बहुत ज़रूरी है खाद का प्रयोग। और नए तालाब की जो मिट्टी होती है वो भुरभुरी होती है और मिट्टी की संरचना में भी खाद के वजह से सुधार आता है। और अगली बात कि खाद के प्रयोग से तालाब के जो पानी का रिसाव है वो भी कम होता है। अब खाद के दो प्रकार होते हैं, एक तो कार्बनिक खाद और दूसरा अकार्बनिक खाद। अब कार्बनिक खाद में जैविक पदार्थों के सड़ने गलने से जो हमें खाद प्राप्त होते हैं वो उसे हम कार्बनिक खाद कहते हैं। अब जैसे कि उसमें जो हमें गाय भैंसों के द्वारा जो जो खाद मिलता है वो कार्बनिक खाद हो गया। इसके अलावा जो पत्तों के सड़ने गलने से जो कंपोस्ट खाद तैयार होता है वो भी कार्बनिक खाद है। और इसके बाद है अकार्बनिक खाद। अकार्बनिक खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश युक्त खाद आते हैं। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि गोबर का प्रयोग कैसे करें। तो जीरा संचय के 15 दिन पहले आप गोबर का प्रयोग कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि जीरा डालने के 15 दिन पहले आप अपने तालाब में गोबर डाल सकते हैं। अब गोबर की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो अगर आपका तालाब आधा एकड़ में है तो आप 500 किलो गोबर डाल सकते हैं, यानी कि 1000 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। और फिर उसके बाद आप 200 किलो आधा एकड़ में डाल सकते हैं, यानी कि उसकी मात्रा कम हो जाएगी, यानी कि 400 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि डीएपी का प्रयोग कब करना चाहिए हमें और क्यों करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले डीएपी का प्रयोग करने से पहले मिट्टी की जांच करना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी की जांच करने के बाद, मिट्टी की जांच के परिणाम के अनुसार अगर आपके मिट्टी में
फास्फेट की मात्रा कम है तो ही आप डीएपी का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप में आपके तालाब में फास्फेट की मात्रा कम है तो मछली संचय के प्रथम माह में ही 8 किलो डीएपी प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। उसके बाद से अगले महीने आप 12 किलो डीएपी प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ये रासायनिक खाद हैं और रासायनिक खाद का प्रयोग हमेशा इसका घोल बनाकर ही करना चाहिए, यानी कि इसे पानी में डालकर इसका घोल तैयार कर लें और घोल तैयार करने के बाद आप पूरी तालाब में इसका छिड़काव करें ताकि इसका घोल पूरी तरह से आपकी तालाब में मिल जाए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो और ये वीडियो आपके लिए एक उपयोगी वीडियो साबित हो। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।